दोस्तों इस शुक्रवार को कई फिल्में रिलीज हो रही हैं जिनमें से एक है लाइफ में ट्विस्ट और आज हमारे स्टूडियो में लाइफ में ट्विस्ट के फर्स्ट टाइम डायरेक्टर दिनेश सोनी एंड डेब्यू मेकिंग हीरोइन मिशेल शाह है लेट्स वेलकम देम वेलकम टू ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस थैंक यू आप दोनों की पहली फिल्म है yes. और uh, जाहिर सी बात है कि पहली फिल्म है इसलिए लेवल ऑफ़ एक्साइटमेंट एंड लेवल ऑफ नर्वसनेस दोनों ज़्यादा होती है आप कितने एक्साइटेड और कितने नर्वस हैं इनकी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि कुछ डिफरेंट मींस एज ए डायरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सिनेमाटोग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटर कर सकता हूँ और आई थिंक म्यूजिक हमारा बहुत स्ट्रांग प्लस पॉइंट right, है एंड हाँ ये प्रॉब्लम होती थी कभी कभी सोचता था कि फ़र्स्ट टाइमर हैं सभी आर्ट एक्टर एक्ट्रेस उनको कन्वेंस करना उनके साथ कोऑर्डिनेशन फिर टेक्निकल चीज़ें बताना प्रोडक्शन भी न्यू तो बहुत सारी परेशानियाँ तो होती थी मुझे काफ़ी चीज़ों को क्योंकि जब दूसरे की फिल्म करता था तो वहाँ कुछ और चीज़ें हुई जब अपनी खुद की करने की बात आई तो मुझे कभी कभी लगता था कि यार मैं ये शुरुआत तो कर दिया बट कैसे इसको कम्प्लीट करूँगा और यहाँ तक जो पहुँचा मैं कैसे मुझे ख़ुद भी नहीं पता सर और सभी चीज़ें पॉजिटिव होता गया क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट था बट uh, बहुत सारी नेगेटिविटी भी बीच में इस तरह की चीज़ें हुई कि लोग सोचते थे कि दो-दो पार्ट खुद कर रहे हैं मैनेज कर पाएंगे या नहीं कैमरा वर्क भी एंड डायरेक्शन भी जी हालांकि कैमरा वर्क तो आपने पहले किया है यू हैव बीन एन एसोसिएट कैमरामैन फॉर फिल्म्स आपने एकाद फिल्म इंडिपेंडेंटली भी की है जी mm -hmm. जी mm -hmm. मैंने प्रकाश हाजी की राजनीति आरक्षण चक्रव्यूह सत्याग्रह एज mm असिस्टेंट -hmm. वर्क as किया असिस्टेंट कैमरामैन जी एंड लाइफ इन अ मेट्रो अनुराग वासुजी के साथ एंड काफ़ी लंबी जर्नी रही है सर कैमरा वर्क के बट एज ए डायरेक्टर क्योंकि कॉन्सेप्ट भी मेरा नहीं था ये बट टाइटल भी हमारा बहुत यूनिक था मुझे अपनी लाइफ में सबसे पहले ट्विस्ट लाना था <laughs> <नहीं>। <laughs> तो मैंने बहुत सोच के टाइटल मीन्स सोचा कि ये मेरे अपने पर्सनल लाइफ के साथ कुछ मैच हो रहा है कि मैं सिनेमाटोग्राफी कैमरा वर्क से सडनली डायरेक्शन में आना मीन्स सबसे बड़ी ट्विस्ट तो वही है मिशेल हाउ डिड यू गेट दिस फिल्म Um, basically like one of my friends, he mm. like he came over here in the studio and he said like michelle you should try for this film mm -hmm. so when i went so inside you an actress yes mm. basically model a model but mm. suddenly many people said that you should try because i have done lakme fashion week many things so was So, many used to, many people used to say that michelle go and try and i used to say no my, mm. it's like how i can be actress so then they you know इट विल टाइम बट नॉट सो मच मैं गई इंटरव्यू मतलब ऑडिशन हुआ मैं सेलेक्ट हो गई hmm. मतलब था, कि मुश्किल था? मुश्किल था uh -huh. बहुत मुश्किल था क्योंकि hmm. एक एक कैरेक्टर करना इट्स वेरी बिकॉज़ अगर मेरे से गलती हुई तो पूरा क्रेडिट सबको करना पड़ेगा hmm. अगर सबसे गलती हुई तो मेरा को सब क्योंकि सबको ही भरना पड़ेगा क्योंकि सब ने इसमें इतना वर्क किया यू नो सबकी हेल्प

देखा कि मैं कर सकती हूँ आई कैन बी यू नो बेस्ट तो मैंने ट्राई किया आई डिड माई बेस्ट एंड मॉर्निंग में करना चाहती हूँ अभी भी कंटिन्यू है आई गेट स्टिल ऑफर एंड आई गो ओवर एंड आई डू इट सो जस्ट फॉर माई मूवीज मुझे ऑफर आया एंड मुझे लूज नहीं करना था लोग कहते हैं hmm. ना कि अगर आता है कुछ भी आता है तो मैं अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि hmm. आगे जाके फिर यू नो मेरे को होगा कि काश मैं कर लेती तो दिनेश जी आपने न्यू एक्टर्स uh, को क्यों चुना सर देखिए हमारा बजट कॉस्ट भी हमें देखना था फर्स्ट प्रोडक्शन था और हमारे जो प्रोड्यूसर हैं वो मेरे बहुत बचपन के दोस्त कॉलेज फ्रेंड हैं जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और आ, मुझे डेब्यू करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया तो बहुत सारी चीज़ें थी सर कि हम अगर न्यू फेस को लेने से एक हमें कंफर्ट होता है कि चलो भाई हम एक शेड्यूल में ही डेट्स मिल जाएंगे सबसे पहली बात तो एक सिंगल में शूटिंग की है लेके नॉन स्टॉप वन शेड्यूल जी वो okay, okay. भी अप्रैल और मई का महीना सॉरी मई और जून का महीना फोर्टी सेवन टेम्परेचर में मैंने शूट किया कंटिन्यू कहाँ पर शूटिंग हुई छत्तीसगढ़ में मेरा होम टाउन है अंबिकापुर सिटी का नाम सिटी। है। हाँ। मैं मेरा वो होम टाउन है और मैंने पूरी क्यों? कहानी, कहानी का डिमांड ये था कि मैंने टारगेट ही किया था कि इसको किसी एक मिडिल टाउन का स्टोरी कॉलेज बैकड्रॉप बताना था तो मेरे लिए सबसे ज्यादा बेटर था कि मेरा जन्मभूमि है तो मैं उसका कर्ज भी अदा हो जाए मेरे माता पिता को भी एक अलग सेटिस्फेक्शन होगा एंड वहाँ के भी कुछ हमारे न्यू जो लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा तो मैंने वहाँ से भी हमारे फिल्म का जो विलेन है उसको वहाँ मैंने ब्रेक दिया फर्स्ट टाइम उसने भी किया है कैमरा फेस और भी वहाँ काफ़ी कुछ लोकल करेक्टर छोड़े तो गवर्नमेंट से कोई मदद मिली है आपको अभी तक तो मदद तो वैसे लोकेशंस वगैरह सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड किए शासन प्रशासन सभी ने हमें कॉपरेट किया गवर्नमेंट ने हुँ मैं सोचा क्यों ना मैं एकदम बिल्कुल डिफरेंट कुछ अलग लुक दूँ एक हमारी सिनेमा को बट आपको ये डर नहीं लगा कि डिफरेंट लुक देने में या डिफरेंट चीज़ करने में कहीं गाड़ी रह नहीं जाए श्याम अवतार केड़िया जी एंड जितेंद्र श्रीवास्तव जी हुँ 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 हमारे तीन प्रोड्यूसर हैं तीनों फर्स्ट टाइमर तीनों फर्स्ट टाइमर्स हैं एंड को प्रोड्यूसर मनोज गुप्ता जी इन लोगों ने बहुत ट्रस्ट बहुत कॉपरेट किया लोकल स्तर पर भी एंड uh, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट थे मुझ पर कि मैं कर लूँगा बट uh, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा क्योंकि सबको साथ लेके चलना और वेरी टफ ना सर बहुत चैलेंज mm -hmm. बट मैं डरा नहीं कभी मीन्स mm -hmm. ऐसा नहीं हुआ कि मैं मेरी शूटिंग कहीं ब्रेक होगी कंटिन्यू नॉन स्टॉप में करता गया करता गया mm -hmm. और uh, सब अच्छा हुआ अभी तक यहाँ तक जो भी चीज़ें हैं और आपका फर्स्ट फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा

और मेरे जो को एक्टर थे वर्कशॉप डे नाइट एवरीथिंग थिंग यहाँ पे यहाँ पे थे बॉम्बे में तो डे नाइट रहता था तो अब एक्टिंग क्लासेस क्यों की है एक फिल्म खत्म होने के बाद क्योंकि पहली बात मुझे एक रोल नहीं करना जैसे बोलते सिंपल रोल आई वांट टू ट्राई एवरी रोल अच्छा ये रोल बहुत सिंपल लड़की का है नहीं अच्छा। ये जैसे लाइक कॉलेज लाइफ की लड़कियाँ होती है वैसे मुझे डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करना है क्योंकि कहीं ये ना हो कि मैं कहीं कम पढ़ी जाऊँ मुझे ये नहीं चाहिए मैं चाहती हूँ मैं सब जगह अपना हंड्रेड एंड वन परसेंट हूँ आई वॉन्ट टू गिव दैट और इस रोल में सबसे डिफिकल्ट बात क्या थी पहली बात अगर मैं कुछ कर रही हूँ या मेरे कोई भी पार्टनर है उनके साथ अलग अलग बिहेव करना लाइक इट जस्ट लाइक सर ने कहा कि ये लव सस्पेंस है यू नो ट्राइक थ्रिगनल एंड एवरीथिंग सो उनके साथ मुझे कॉपरेट करना बैठना सब अलग अलग वे था मैं किसी के सेम अगर करूँ तो वो लगेगा कि सिंपल है या शी इज़ नॉट डूइंग शी जस्ट लाइक रीडिंग स्क्रिप्ट एंड एवरीथिंग वो मुझे चाहिए नहीं था मैं चाहती थी कि बेस्ट दो कि वहाँ पे लोग कहें कि वाओ

क्योंकि होता ये था तो कि कभी आपने फिल्म बता... बनाते वक्त ऐसे नहीं सोचा कि ये मैं किस झमेले में पड़ गया बेटर था कि मैं कैमरा मैन ही रहता बिकॉज कैमरा मैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सीमित रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसमें तो आप पूरी फिल्म के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते जब आप डायरेक्टर है बिकॉज डायरेक्टर इज़ द कैप्टन ऑफ द शिप एक हम्बल पर्सन होने की वजह से मैं सब चीज़ों को साथ में कॉपरेट करना लोगों को समझाना ट्रीट करना टैगल करना इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग सारे करेक्टर्स जितने भी थे सब आपस में जिस तरह से भी होता था भी है तो मैं उसको बहुत पोलाइटली ट्रीट करके और अपना काम कर लेता पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा क्यों होती थी अन थी इन लोगों के अंदर सबको अपनी अपनी मतलब हर किसी को ये था कि मेरा प्लस हो मेरा प्लस हो मैं ज्यादा तो बहुत सारी चीज़ें थी मैं समझता था कि क्यों हो रहा है ऐसा बट मैं उस चीज़ को बहुत पोलाइटली रेट पर वर्कशॉप होने के बावजूद ये हुआ वर्कशॉप में तो सब बात बातों का खुलासा हो जाता है ना सबको अंदाजा हो जाता है कि उनकी क्या लाइनें हैं दूसरों की क्या लाइनें हैं मेरी क्या लाइनें हैं इस सीन का इंपॉर्टेंस किसके लिए ज़्यादा है इस सीन में कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसका सीन है किसका कम सीन है तो ये सब अंदाजा नहीं हुआ वर्कशॉप में सर वर्कशॉप में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा प्रॉपर ढंग से कर नहीं पाया था नहीं। बहुत शॉर्ट टाइम में मैंने डिसीजन लिया कि ये मूवी करनी है मुझे अच्छा और विधि ए मंथ मैंने पूरी कंप्लीट फ्लोर पे ले आया प्रोजेक्ट नहीं। को नहीं। तो, नहीं। तो इससे पहले जब शूटिंग हुई उससे पहले आपने सारे एक्टर्स को एक साथ इकट्ठा करके उनके साथ

आपके थे दोनों मगर पैसा उनका था Definitely. तो फिर उनको कैसे शांत किया वो मैंने उनको ट्रस्ट में लिया सर क्योंकि मुझे पता था कि मैं जो कर रहा हूँ तो मैं उसको अंजाम प्रॉपर ढंग से दूंगा एनी हाउ और उन लोगों ने ब्लाइंड फेथ किया क्योंकि हमारा बचपन का रिश्ता रहा कॉलेज के दोस्त थे तो उन्हें पता था कि मैं मेरी भी एक जर्नी है इंडस्ट्री में तो कहीं ना कहीं जब मुझ पर ट्रस्ट किया है और लोगों ने तो कुछ तो बात होगी देखा होगा उन्होंने जाना होगा मेरी प्रोफाइल जाना सारी चीज़ें और फिर स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी बट उसको बहुत स्मूथली मैंने ट्रैक पे ले आया था मिशेल आपसे जानना चाहूंगा इन्होंने बताया कि शायद इमेच्योरिटी है लोगों की तो आपकी कोई इमेच्योरिटी आपको याद आती है अब क्योंकि जब पुरानी बातें याद आती है तो ऐसा लगता है कि ये क्यों हुआ तो आपको हंसी भी आती है कि मैं, मैंने ये क्यों किया हाँ।, हाँ. हुआ था बहुत हुआ था लाइक कभी कभी ऐसा होता था कि लाइक समझ नहीं आता था क्योंकि सब फर्स्ट टाइम था तो कभी कभी किसी में दिमाग में ऐसा था कि लाइक शायद से मैं इसमें गलत हूँ या, या ये अच्छी जा रही है या इसको ज़्यादा काम में मतलब कि अच्छे से मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा मुझे क्यों इतना फोकस नहीं मिल रहा बट ऐसा कुछ नहीं था वो हम लोग का सब बहम था सर ने आए सब लोग समझाते थे सर बैठ के समझाते थे मीटिंग होता था रात भर बैठ के समझाते थे कि ऐसा कुछ नहीं है तो लोगों के दिमाग में फिर समझा कि हाँ हम लोग ही उसमें गलत थे जैसा आपने कहा कि आप को ऐसे लगता है कि आपका म्यूज़िक बड़ा प्लस पॉइंट है तो म्यूज़िक के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी म्यूज़िक के लिए सर मेहनत तो काफ़ी करना पड़ा क्योंकि मैं कंटिन्यू सिक्स मंथ तक उस पर वर्कआउट किया अच्छा म्यूज़िक पर आप छः महीने आपने बताया ओके okay. हाँ, काफ़ी चीज़ें आ, कई ऐसे डेब्यू मतलब डेमो सुनने के बाद फिर मैंने फाइनली इसको अकॉर्डिंग सब्जेक्ट मैंने इस गाने सुने ओके okay. म्यूजिक गाने हैं फिल्म में सात गाने हैं सर टोटल ओके और wow. आपका फेवरेट कौन सा है मेरा फेवरेट है निगाहों ने निगाहों से कुछ तो कह दिया ओके okay. जो इन पे फिल्माया गया है तो जाहिर सी बात है आपका भी फेवरेट वही होगा ऑब्वियसली yes, बिकॉज़ hmm. ये पहली बार द शान जी ने गाया है और hmm. वो जावेद जी ने भी गाया है गाना पर वो हमारा ही गाना उन्होंने चुना वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात हुई hmm. और शान जी की आवाज तो लाइक वाओ नो वर्ड्स आई हैव फॉर हिम यस और म्यूजिक एक फिल्म को फिल्म में ऑडियंस को आकर्षित करने में कितना मायने रखती है म्यूजिक आई थिंक मैं समझता हूँ कि म्यूजिक हमारे हिंदी सिनेमा में तो मोस्टली सर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो म्यूजिक का ही पार्ट होता है इसलिए मैंने उसको ज्यादा फोर्टी डेज का, 40 का जी। और ये प्लानिंग के मुताबिक ही था प्लानिंग के मुताबिक हमने थर्टी फाइव डेज का शेड्यूल वर्कआउट किया था बट कुछ ऐसी चीज़ें थी जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर तो कुछ मूवमेंट्स ऐसे होते थे कि हम जल्दी या तो कभी स्टार्ट नहीं कर पाए या कुछ ऐसे इशूज़ हो गए या कुछ लोकेसन्स हमारे कभी कभी चेंज करने पड़ जाते थे अच्छा, ओके। डिस्टेंस भी कभी कुछ होता था हिल स्टेशन पे जाना है तो इस तरह से एक्सटेंशन का रीज़न हुआ बट कुछ करेक्टर्स बीच में ऐसा हो गया कि जो शेड्यूल हमने बनाया था वो हमारे आर्टिस्ट अवेलेबल नहीं हो पाते थे तो उसकी वजह से हमारे हमें शेड्यूल चेंज करना पड़ता था मुझे टाइम जिसकी वजह से पाँच छह ज्यादा लगे जी, जी। और बजट में भी कुछ बदलाव आया बजट कितना था फिल्म जब आपने प्लान की तब प्लान किया था तो सर हमने बजट टू एंड हाफ तक का सोचा था ढाई करोड़ जी ओके और फिल्म बनी तीन तीन कर लेंगे बट एक्सटेंशन होता गया हुँ, हुँ। कि अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कम्प्रोमाइज ना हो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी थी जी, आपको जी तो अब जब फिल्म तैयार है तो आपको लगता है ये पचास लाख ज्यादा लग गए या पांच या छह दिन ज्यादा शूटिंग की आपको लगता है सही किया जी बिल्कुल क्योंकि अगर मैं वो कंप्रोमाइज़ करता तो वो क्वालिटी नहीं दे पाता और वो ऐसा आउटपुट नहीं मिलता हुँ, हुँ, हुँ. तो आई थिंक मैं समझता हूँ इतना तो मिसलिनियस तो होता ही है फिल्मों में सर <laughs> बिल्कुल इतना तो फाइव परसेंट टेन परसेंट मार्जिन तो देना देना ही पड़ता है आ, मिशेल जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुआ करती थी अब जाके जब फिल्म कंप्लीट हुई है आप को स्टार्स में कैसी बनती है मतलब येट योर आर एट लॉगर हेड्स या अब बहुत गहरे दोस्त हो गए हैं या फिर ठीक है काम से काम पहली बात तब भी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि हम लोग झगड़ते थे नो बस वो होता था मिस अंडरस्टैंडिंग होती थी नथिंग एल्स तब भी दोस्त है और अभी भी दोस्त है okay. और वो रहेंगे क्योंकि hmm. पहली बात वर्क जितना हम लोग एक साथ मिलके काम करेंगे तो hmm. वो अच्छी बात हो क्योंकि आगे जाके ये लोग ही मेरे दोस्त लोग रहने वाले हैं अगर कोई भी मिलेंगे तो वो फ्रेंड्स रहते हैं पर ये डूइंग अ फर्स्ट फिल्म विद डैम एंड इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस आई गॉट कॉज एक दूसरे को कॉपरेट करना समझाना बैठ के सो इट्स मीन लॉट टू अस यस और एक होती है न्यू कमर्स के साथ फिल्म बनाना दूसरी बात होती है कि इस फिल्म को प्रमोट करना बिकॉज न्यू कमर्स की फिल्म जनरली आजकल टिकट रेट्स इतने हाई है जनरली लोग अवॉइड करते हैं तो उस फिल्म को ऑडियंस तक लेकर जाना ऑडियंस को अवेयर करना एंड रिलीज़ करना तो ज़्यादा मुश्किल क्या था फिल्म बनाना या अब रिलीज़ करना एंड प्रमोट करना मुझे फिल्म बनाने से ज़्यादा मुश्किल प्रमोट एंड रिलीजिंग, रिलीजिंग का है ना? है बिकॉज स्टार वैल्यू नहीं इसलिए जी वेरी टफ बहुत सारे इशूज ऐसे आए फिर मैं यहाँ तक आज जी म्यूजिक कंपनी ने जो हमारी म्यूजिक को रिलीज किया ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एंड जी का जो प्लेटफॉर्म है उससे आपकी फिल्म को भी इतना बढ़ावा मिल गया हाइट मिला जी डेफिनेटली सर डेफिनेटली एंड मैं जी के सारे टीम को थैंक्स बोलूंगा इसके लिए एंड uh, हमने सोचा नहीं था कि हमें खुद से प्रमोशन एंड रिलीजिंग के उस पर टारगेट करना होगा mm -hmm. ये सडनली एक्स्ट्रा बर्डन आया हम mm -hmm. फिर भी हमारे प्रोड्यूसरों ने बहुत ही इजी वे पे सारी चीज़ों को मैनेज किया mm -hmm. और इसके लिए मैं उन्हें थैंक यू बोलूँगा mm -hmm. और ऑल ओवर रिलीज करना भी अपने आप में जी एग्जैक्टली जी जी और सारी चीज़ों को मैंने कहाँ कैसे किस तरह से मैनेज किया वेरी चैलेंजिंग बहुत मतलब एक क्लाइमेक्स मेरा चल रहा है बिल्कुल कि <laughs> ऐसा हो गया कि अब इस लास्ट मोमेंट पे आके मैं काफ़ी चीज़ें हैं सर बट माता पिता एंड गॉड को थैंक्स बोलूँगा करेक्ट जो कि सारी चीज़ें पॉजिटिव होता गया और यहाँ तक चलिए कोई फिल्म बनाना कोई आ... आसान काम तो है नहीं मुश्किलें तो आती है एंड uh, ये पहली फिल्म है इसलिए कुछ ज़्यादा शेयर ऑफ uh, प्रॉब्लम्स शायद आपके हिस्से आई है uh, हम यही दुआ करते हैं कि अगली फिल्म से आपको इतनी मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़े एंड uh, इस फिल्म के रिजल्ट ऐसे आए कि आपको लगे कि एवरीथिंग वॉज वर्थ द एफर्ट एंड वर्थ द पेन इसी दुआ।, दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे थैंक यू सो मच फॉर बींग दोस्तों ये थे दिनेश सोनी और मिशेल शाह इनकी फिल्म लाइफ में ट्विस्ट शुक्रवार को रिलीज हो रही है बड़ी मेहनत के साथ बनी है एंड एज ई से दिनेश सोनी सेड बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स का सामना करना पड़ा बट अल्टीमेटली द प्रोडक्ट हैज आउट टू बी गुड तो आप देखिए और आप जज कीजिए फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव कोई सजेशन हो तो प्लीज डू राइट इन टू अज बॉलीवुड बिजनेस एट जी नेटवर्क डॉट कॉम एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा तो उठाइए अपना मोबाइल फोन टाइप कीजिए बी बि स्पेस छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए फाइव सेवन फाइव सेवन फाइव पर यू कैन फॉलोज ऑन ट्विटर एट ई टी सी बॉलीवुड दिस इज कोमल नहाटा बिरिंग यू गुड बाय